नमस्कार दोस्तों, राधे राधे ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और आखिर यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या होती है, तो दोस्तों आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो तो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। महादेव के भक्त इस खास दिन का बेसब्री के साथ इंतज़ार करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जा रही है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भोले शंकर वैराग्य जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि, वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर होती है, लेकिन भक्तगण अपनी सुविधा अनुसार भी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी छिपी हुई है। कहा यह जाता है कि इस दिन शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि थी, इसलिए शिव भक्त इस दिन महाशिवरात्रि के दिन को शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी की शादी शक्ति के साथ हुई थी। अन्य पौराणिक कहानियों के अनुसार इस दिन शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से भी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना आपको शिवलिंग की पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिव चालीसा का भी पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए समय से लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।